प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी शुरू कर रहा हूँ। डीजीपी साहब और हमने अभी कुछ देर पहले ही कुछ डिटेल जो आदेश किए गए थे तो उस संदर्भ में हम ब्रीफ कर देंगे और उसके बाद डीजीपी साहब ब्रीफ कर देंगे और फिर उसके बाद प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ब्रीफ करके फिर हम डिटेल ब्रीफिंग बाद में करेंगे। पहले एक इम्पोर्टेंट ब्रीफिंग मैं करना चाहूँगा। आप सबको मालूम है, अभी हम लोगों ने बताया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज डिटेल बैठक की है और ये पाया कि उन जिलों में, जिन जिलों में 6 या 6 से अधिक कोरोना के केसेस हैं, जो 15 जिले हैं, वहाँ पर उन्होंने ये निर्देशित किया है कि वहाँ के हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके उन हॉटस्पॉट्स में बहुत ही सख्त व्यवस्था लागू की जाए, उन हॉटस्पॉट्स में डोर टू डोर मैनेजमेंट किया जाए, पूरे एरिया को जो है उसको हाउस टू हाउस मॉनिटर करके कार्रवाई की जाए। मैं थोड़ा सा डिटेल इन जगहों के लिए देना चाहूँगा। हमने अभी, हम और डीजीपी साहब ने अभी ये बैठक सभी वीसी, सभी उन 15 जिलों के डीएम्स, एसपी या पुलिस कमिश्नर्स के साथ की है तो हम ब्रीफ करते हैं आपको। आगरा में 22 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 12 थानों में जिन पर कार्रवाई की आवश्यकता है। गाजियाबाद में 13 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 7 थानों में। गौतम बुद्ध नगर में 12 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 12 थानों में। कानपुर नगर में 12 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 10 थानों में। वाराणसी में 4 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 4 थानों में। शामली में 3 ऐसे हॉटस्पॉट्स मिले हैं 3 थानों में। मेरठ में 7 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जो 8 थानों में मिले हैं, उनमें कुछ ग्रामीण थाने भी हैं। बरेली में केवल एक हॉटस्पॉट है, वो एक ही थाने में है। बुलंदशहर में 3 हॉटस्पॉट है, 3 थानों में है। बस्ती में 3 हॉटस्पॉट है, 2 थानों में है। फिरोजाबाद में 3 हॉटस्पॉट है, 1 थाने में है। सहारनपुर में 4 हॉटस्पॉट है, 4 थानों में है। महाराजगंज में 4 हॉटस्पॉट है, 2 थानों में है। सीतापुर में केवल एक हॉटस्पॉट है, 1 थाने में है। और लखनऊ में 8 बड़े हॉटस्पॉट है, 4 छोटे हॉटस्पॉट है, 11 थानों में है। इन 15 जिलों के इन हॉटस्पॉट्स के अंतर्गत जो थाने हैं वहां पर जो है विशेष रूप से हमें जनसहयोग लेकर 100% जो है लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। जो थोड़ी बहुत भी रियायत थी वो रियायत नहीं रहेगी और हम बहुत क्लियर करना चाहेंगे कि इन 15 जिलों के इन हॉटस्पॉट्स के अलावा बाकी जगहों पर जो है जो लॉकडाउन की प्रक्रिया अभी तक लागू है वो एज इट इज रहेगी। लेकिन कहीं किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कहीं अनावश्यक किसी को जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ सेक्शंस ऑफ मीडिया में एक रिपोर्ट ये चल रही थी कि पूरे जनपद में जो है बंदी है, ऐसा नहीं है, केवल इन हॉटस्पॉट्स में कार्रवाई करी जा रही है। सभी डीएम्स और एसपीस को और पुलिस कमिश्नर्स को निर्देशित कर दिया गया है। मैं डीजीपी साहब से चाहूंगा कि इन हॉटस्पॉट्स में क्या क्या चीजों को समाधान करना होगा, किन किन चीजों का ख्याल करना पड़ेगा, किन किन माध्यम से लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, डीजीपी साहब बताएं। हमारे जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड 15 जनपद हैं जिनके विषय में आपको अभी अपर मुख्य सचिव साहब ने बताया है, उसमें क्लस्टर्स हैं जहां पर इस तरह के पीड़ित व्यक्तियों के रहने की या किसी हिस्ट्री उनकी जुड़ी हुई है उनसे, तो ये एरियाज वो पोटेंशियल पॉइंट्स हैं जहां से स्प्रेड की संभावना लगातार बनी हुई थी। तो ये तय किया गया है कि किसी जनपद में, जिन जनपदों की हम बात कर रहे हैं, वो एरियाज जो कॉन्सेंट्रेटेड क्लस्टर्स हैं कोरोना वायरस के, उनको हम इंटेंसिव लॉकडाउन में लाएं। उसका रीज़न ये है कि किसी तरह का इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, उसको प्रॉपरली कंटेन किया जा सके, इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। और वो व्यवस्था ये है कि सबसे पहले वहाँ का सैनिटेशन विशेष रूप से इम्प्रूव करना, तो उसमें उस एरिया को कॉर्डन कर करके वहाँ पर जितना फायर सर्विस की गाड़ियाँ भी इस काम में लगाई गई हैं उनको लगा करके एक एक्सटेंसिव सैनिटेशन ड्राइव चलाया जाना। वहाँ पर लॉकडाउन को 100% लागू किया जाना, यानी कि जो पास सिविलियन इशूड हैं उन पासेस को भी स्थगित किया जाएगा।
इस अवधि में, जिस अवधि में एक्सटेंडेड और इंटेंसिव लॉकडाउन हम लागू कर रहे हैं, जो सप्लाईज का बिंदु पैदा हो रहा है वो ये है कि वहाँ पर जो लोग उन एरियाज में रह रहे हैं, वहाँ पर सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट मेडिकल सप्लाईज वो डोर स्टेप पर मुहैया कराएगा, यानी बाहर लोग आकर के दुकानों पर खरीदारी नहीं करेंगे, चाहे वो दवा हो, चाहे बैंकिंग सर्विसेज हो, चाहे वो किसी और प्रकार की सर्विसेज हो, वरन उनको आवश्यकता अनुसार उनके डोर स्टेप पर प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी तरह की आवाजाही उस एरिया में उसी प्रकार रोकी जाएगी जिस प्रकार नॉर्मल कर्फ्यू में रोकी जाती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वहाँ पर लोगों को चिन्हित किया जाएगा, कौन आदमी कहाँ किस मकान में रह रहा है, वो कितने फासले पर है उन लोगों से जो जहाँ पे पहले इस तरह के लोगों का रहना पता चला है, जहाँ पे वो लोग रहे हैं, उनके परिवार के लोग रहे हैं, इससे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और ये जो तमाम सारे लोग आवागमन कर रहे हैं कि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले को जाना है तो बीच से होकर के निकल रहे हैं, इसको बिल्कुल रोक दिया जाएगा। कहने का मतलब कि बैरिकेडिंग करके उन एरियाज को बिल्कुल सेग्रीगेट किया जाएगा, वो जीरो जोन बना दिए जाएंगे ट्रैफिक के लिए। तो ये प्राइम व्यवस्था लागू की गई है, एनहैंस्ड सैनिटेशन, लोड स्टेप सप्लाईज और बैरिकेडिंग ऑफ द एरिया सो दैट कोई भी किसी तरह का कंटेजियन स्प्रेड होने की कोई संभावना ना रहे, ये व्यवस्था हमारी है। इसमें तीन चार चीजें और बता दूं, एक तो नए फायर ब्रिगेड्स आज भेजे गए हैं हर जिले में, आपने खुद ही देखा होगा, तो इन फायर ब्रिगेड से सैनिटेशन, सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो है सैनिटेशन भी कराया जाएगा। इन एरियाज में 112 यूपी 112 की गाड़ियां विशेष रूप से रखी जाएंगी, लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल करके लोगों को जो है सूचना भी दी जाएगी, आगाह भी किया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो पुलिस ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करेगी। इन एरियाज में अगर कोई बैंक वगैरह या राशन दुकान है उसको अभी फिलहाल 15 तारीख तक नहीं खोला जाएगा, और वहाँ पर जो है सड़कों पर हम मीडिया को भी जाने नहीं देंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऑफिशियल फोटोग्राफर्स कुछ जा सकेंगे, तो जिससे कि वहाँ आवाजाही कम रहे और वहाँ संख्या लोगों की बहुत ही सीमित रहे। तो ये चीज़ें जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें पूरा जिला नहीं लिया गया है, हम फिर से आपको स्पष्ट कर दें, केवल बहुत ही लिमिटेड एरिया जहाँ पर कि लोग ऐसे पाए गए हैं जहाँ उनके हित में, पब्लिक के हित में, उन घरों के हित में, उन लोगों के हित में, उस एरिया और मोहल्ले के हित में, वहाँ ये कार्रवाई की गई। जैसे जैसे कुछ एरियाज में लॉकडाउन का जो है पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, 14 दिन पूरी हो जाएंगे, जैसे आगरा में पहले कुछ 3 और 4 जगह थे वो पूरे हो गए थे, तो वो वैसे वैसे खोल दिए जाएंगे। हाल फिलहाल ये व्यवस्था 15 की सुबह तक यानी 14 तारीख तक ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो कहीं किसी को कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। HCR के एरिया में एक दो जगह पर इस तरह की सूचना मिली थी कि लोग अनावश्यक रूप से खरीदने के लिए निकले थे, उचित नहीं। मैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से चाहूंगा कि कृपया आज अपनी ब्रीफिंग करने की। हाँ जी बताइए। अब उसको हमने क्लैरिफाई आपको कर दिया है, अब आप जो सही स्थिति है वो जो है लोगों को बताएं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, धन्यवाद। 15 की सुबह तक जब तक की लॉकडाउन की व्यवस्था अभी है वर्तमान में है, वैसे ही तभी तक किया गया। मैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से चाहूंगा कि आप अपना डिटेल। धन्यवाद। प्रदेश में अभी तक कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति इस प्रकार है, कुल मिलाकर के प्रदेश में 343 पॉजिटिव केसेज आए हैं, इनमें से 187 तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों के केसेस हैं, 26 लोग उपचारित होकर के 187 आउट ऑफ 343 187, इसमें से 26 लोग पूर्णतया उपचारित होकर डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। अभी जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा था तभी सूचना मिली कि पीलीभीत में एक महिला है शकीला, जिनकी उम्र 73 साल है, उनकी भी सेकेंड रिपोर्ट निगेटिव आ गई है, तो वो भी आज शाम तक या कल सुबह तक डिस्चार्ज हो जाएंगी। एक हम लोगों ने, जैसे आपको मैंने बताया था, एक हम लोगों ने ये शासनादेश जारी किया है कि पूलिंग ऑफ पेशेंट्स होगा,
दो तीन जिलों के पेशेंट एक ही जगह रख लिए जाएंगे जिससे रिसोर्सेज का बेटर मैनेजमेंट हो। अगर किसी जिले में एक या दो मामले आते हैं और दूसरे जिले में भी एक या दो मामले आते हैं तो उन चारों मरीजों को एक ही अस्पताल में रख लिया जाएगा। इसको हम पूलिंग ऑफ पेशेंट्स नाम हमने दिया है ताकि जो मैन पावर है, हेल्थ केयर टीम है, उसका एक्सपोजर सिर्फ एक हेल्थ केयर टीम का एक्सपोजर होगा, दो हेल्थ केयर टीम एक बार में एक्सपोज नहीं होगी। साथ ही साथ जो कंज्यूमेबल्स हैं, पीपी किट्स हैं और चीज़ें हैं, N95 मास्क हैं, उनका भी जुडिशियस मैनेजमेंट हो सकेगा। आपको त्रिस्तरीय व्यवस्था के विषय में बिल्कुल जानकारी है, मैं कई दिनों से आपको बता रहा हूँ, L1, L2, L3। उसके अलावा कल हम लोगों ने एक और गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया है जिसमें हम लोगों ने एक और नई कैटेगरी जिसका नाम L1 अटैच्ड फैसिलिटीज या L1 के समकक्ष इकाइयां उनका नाम रखा है। ये वो इकाइयां होंगी जो केस मैनेजमेंट हो रहा है प्रदेश में कोविड के पेशेंट्स का, उसमें ये देखा गया कि 75% केसेस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनमें कोई भी लक्षण नहीं आते हैं, न कोई बुखार, न कोई सर्दी खांसी जुकाम, बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हैं और उनका कोई केस मैनेजमेंट डिफिकल्ट नहीं होता है। तो वैसे को देखते हुए कि 75% केसेस ऐसे आ रहे हैं, एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट लिया गया, उसको 50% मानते हुए हमने, जबकि वो 75% है, 1:1 के रेशियो पर हमने L1 अटैच्ड फैसिलिटी में हम बेड्स क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारे लगभग 10,000 बेड्स L1, L2, L3 में हैं, उसी के बराबर 10,000 बेड्स हम L1 अटैच्ड फैसिलिटी में क्रिएट करने जा रहे हैं। ये अस्पताल नहीं है, L1, L2, L3 हॉस्पिटल्स हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं। ये L1 अटैच्ड फैसिलिटी जो है, L1 या L2 के पास कोई बिल्डिंग होगी, हॉस्टल होगा, लॉज होगा या कोई होटल होगा, उसमें हम 100 या 125 बेड्स का की फैसिलिटी हम क्रिएट करेंगे और जरूरत पड़ने पर हम उतने पेशेंट्स को जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे उनका मैनेजमेंट, केस मैनेजमेंट वहाँ किया जा सकेगा। इस प्रकार से जो अगर कोई ऐसी स्थिति आती भी है जिसकी कोई हम संभावना नहीं देखते, फिर भी अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो हमारे पास 20,000 पेशेंट्स को एक बार में रखने की हमारी व्यवस्था होगी। एक हम लोगों ने जो केसेस आए हैं उनका हमने एक एज वाइज एनालिसिस किया है, उसमें हम लोगों ने ये पाया कि जो 0 से 20 वाला एज ग्रुप है उसके 16% के करीब मरीज उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। 0 to 20 में सबसे ज्यादा फॉल कर रहे हैं मरीज 21 to 40 के कैटेगरी में, 44% पेशेंट्स 21 to 40 के कैटेगरी में हैं, 41 से 60 के कैटेगरी में 27% हाँ मरीज हैं, और जो आपके माध्यम से हम लोग बार बार एडवाइजरी दे रहे हैं कि अपने बुजुर्गों को इससे बचाएं, वो एडवाइजरी आप लोगों ने जो इतना इसमें जागरूकता पैदा की है उसका ये कारण है कि जो 60 प्लस के लोग हैं उनके परसेंट सबसे कम है। 60% 60 प्लस वाले लोग केवल 13% हैं जो कि इससे इफेक्ट हुए हैं। 41 से 60 वाले 27%, 21 से 40 वाले 44% और 0 से 20 वाले 16%, यानी सबसे बुजुर्ग और सबसे जो कम एज के लोग हैं उनका प्रतिशत कम है, बीच वालों का प्रतिशत ज्यादा है। जो इसमें एक दवा होती है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, वो सभी मेडिकल कॉलेज, सभी अस्पतालों, सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गई है। हेल्थ केयर वर्कर्स जो सीधे COVID-19 के पेशेंट्स के संपर्क में आते हैं, जो ट्रीटमेंट करते हैं, उनके लिए इसका प्रयोग प्रोफाइलैक्टिक के रूप में रिकमेंडेड है। तो वो टैबलेट हर जगह हमने उपलब्ध करवा दिया है, बाकी के लॉजिस्टिक्स भी लगातार उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज हम लोगों की अभी भारत सरकार से VC चल रही है और जो हमारे फील्ड के ऑफिसर्स हैं, CMOs हैं, CMS हैं, उनके साथ भी VC चल रही है। अब हम लोग कल से टेस्टिंग को रैंप अप करने जा रहे हैं। अभी तक हम 700-800 सैंपल हम कर रहे थे, अब हमारी कोशिश ये होगी कि कल से हम इसको डबल कर दें और हम 1,500 के करीब सैंपल हम प्रतिदिन हम प्राप्त करें। जिन जिलों में बिल्कुल भी केसेस नहीं है वहाँ भी जो इन्फ्लुएंजा लाइक जो सिम्टम्स वाले मामले होते हैं कम्युनिटी में, या जो प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल में जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के केसेस होते हैं, जिनको हम सारी कहते हैं, उनके केसेस के सबके सैंपलिंग किया जाएगा ताकि ये मालूम पड़ सके कि कम्युनिटी में किसी प्रकार का ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसमिशन कम्युनिटी में नहीं, कहने का मतलब कि उस एरिया में किसी प्रकार का कोई ट्रांसमिशन तो नहीं है।
जिन जिलों में बिल्कुल भी केसेस नहीं आ रहे थे, जिनमें गाइडलाइंस के हिसाब से भी हमको बहुत ही कम सैंपल्स लेने थे, वहां भी हम अपने सैंपलिंग को रैंप अप कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की किसी संभावना को बिल्कुल रूल आउट किया जा सके। जैसा आपने सुना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आज निर्देश दिया है कि जहां भी ज्यादा केसेस हो रहे हैं वहां लॉकडाउन का बहुत ही बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको एनफोर्स कराया जाए ताकि लोगों का जो सोशल डिस्टेंसिंग है, वो जो वॉलंटरली वो लोग निकलने के बाद उसको ब्रीच कर देते हैं, वो बिल्कुल ब्रीच ना होने पाए, जिससे कि जो जो ये कंटेजियन है, जो ये इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन को जहां है उसको वहीं पर थामा जा सके और इसको थाम करके जो इन्फेक्शन का रेट है उसको हम लोग बिल्कुल बहुत कम कर सके। आपने देखा होगा कि पीछे 5-6 दिनों में जब से तबलीगी जमात के केस आने शुरू हुए थे तो एकाएक एक स्पाइक आया था, बहुत बड़ा जंप आया था। अब वो जंप जो आया था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अब हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जब हमने उन सारे लोगों को निकाल करके उनकी टेस्टिंग हमने कर ली, तो अब बहुत जरूरी है कि जो लोग भी हमारे माइग्रेंट वर्कर्स आए हैं या फॉरेन से जो लोग आए थे उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सबों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन सर्कुलेट नहीं करे, उसके लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग जो बहुत जरूरी है, साबुन पानी से लगातार अपने हाथ को धोते रहना, जिससे कि इन्फेक्शन आपके मुंह आंख और नाक के जरिए आपके शरीर में न जा सके वो। और साथ ही साथ आपको हमने ये भी बताया था कि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, आपके माध्यम से हमको जनता को बताना है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करिए। इसके लिए नीम की पत्ती का सेवन या तुलसी अदरक का काढ़े का सेवन, इस तरह की जो चीजें होते हैं, गिलोय का सेवन, गर्म पानी पीना, ये सब करें जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। और उसके अलावा जो आप लोगों ने मास्क लगा रखा है वो हमने आपको एक एडवाइजरी आपने देखा होगा हमने जारी की थी, अब उसको हम लोग एपिडेमिक नोटिफिकेशन के अंतर्गत एक ऑर्डर करने जा रहे हैं कि हर आदमी को जो बाहर निकलेगा, हर व्यक्ति, उसको अपने चेहरे को कवर करना आवश्यक होगा, चाहे वो मास्क से करे, चाहे वो गमछे से करे या तौलिए से करे या रुमाल से करे या दुपट्टा से करे, बट अपने चेहरे को कवर करना होगा जिससे कि संक्रमित होने की संभावना नहीं के बराबर रह जाए। क्वारंटाइन में भी हमारे इस समय बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, सहारनपुर में 795 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, शामली में 243, लखनऊ में 147, आगरा में 400, मेरठ में 342, गौतम बुद्ध नगर में 657। इस तरह से जो संक्रमण को कंट्रोल करने के, नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है उस पर बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही तेजी से पूरे प्रदेश में काम कर चल रहा है। धन्यवाद। लखनऊ के पॉजिटिव केस की कुल संख्या है देखिए 24, आगरा 64, लखनऊ 24, गाजियाबाद 23, गौतम बुद्ध नगर 58 और मेरठ 35, ये सबसे ज्यादा केसेस वाले जिले। नहीं, इसको देखिए ऐसा है कि जो भी स्ट्रैटेजी बन रही है वो यूनियन गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की साझा स्ट्रैटेजी बन रही है। जो भी यूनियन गवर्नमेंट के इसमें निर्देश आते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट भी ये कह रही है और हम लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि जब हमारे नंबर्स फिर से गिरने शुरू हो गए हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम एग्रेसिव कंटेनमेंट करें, और एग्रेसिव कंटेनमेंट तभी होगा जब हम टेस्टिंग रैंप अप करेंगे, और अगर कोई भी केस आता है उसको और उसके कॉन्टैक्ट को हम फैसिलिटी में ले आएंगे तभी हम इन्फेक्शन पर हम कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू। एंटीबॉडी टेस्ट किट भी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, उसका हमारा टेंडर 11th को खुल रहा है, और अदरवाइज भी जो वेंडर्स जिन्होंने और स्टेट्स को सप्लाई किया है उनको भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर उसके पहले भी हमको कुछ सप्लाई कर सके तो हम एंटीबॉडी जो टेस्ट किट्स हैं उनको भी हम यूज करेंगे, उसको हम प्राइमरली हेल्थ केयर वर्कर्स और जो हमारे फैसिलिटी क्वारंटीन है उसमें और जो कंटेनमेंट जोन होगा उसमें हम यूज करेंगे। थैंक यू। मैं एक चीज बता दूं टेस्टिंग के बारे में, आपको कल भी बताया था, मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा। यूपी में जब कोरोना का पहला केस आया था एक भी टेस्टिंग लैब उत्तर प्रदेश में नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर बल दिया कि हर हालत में प्रदेश में टेस्टिंग को मजबूत किया जाए। आज की तारीख में 10 लैब्स टेस्टिंग करना शुरू कर दिया है
और अब जैसा कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया है, ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है इसको भी बहुत जल्दी लागू कर दिया जाएगा, जिससे हमारी रेगुलर टेस्टिंग की मल्टीप्लिसिटी बढ़ जाएगी। जो एंटीबॉडी टेस्ट है जो उससे पॉजिटिव आएंगे केवल उनको हम टेकअप करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देश और दिया है लॉन्ग टर्म टेस्टिंग की व्यवस्था के लिए, जो कल हमने आपको बताया था, जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस हैं 10, उनको अपग्रेड करके BSL 3 लेवल पर ले जाने के लिए, यानी जिस तरह की PGI और हमारी KGMC की लैब्स हैं उस लेवल तक ले जाने के लिए 10 मेडिकल कॉलेज उन्होंने ऑलरेडी आदेश कर दिया है जहां एग्जिस्टिंग लैब्स हैं। सेकंड, जो 14 मेडिकल कॉलेजेस स्टेट गवर्नमेंट के हैं जहां अभी माइक्रोबायोलॉजी लैब ना होकर टेस्टिंग नहीं हो रही है, वहां भी टेस्टिंग शुरू की जाए, तो 10 ये प्लस 14। इसके अलावा 6 मंडल ऐसे हैं जहां सरकारी विद्यालय मेडिकल कॉलेज नहीं है, यानी अलीगढ़ और BHU में कोई स्टेट गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज नहीं है। बरेली, मुरादाबाद, मिर्जापुर और देवीपाटन मंडल यानी गोंडा में नहीं है। 6 और मंडल मुख्यालयों पर भी नए सिरे से टेस्टिंग लैब जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लागू की जाएगी। इसके अलावा जो जनपद जहां बिल्कुल भी कोई लैब फिर नहीं होगी, वहां कलेक्शन सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्थापित किया जाएगा। बड़ी मात्रा में टेस्टिंग की व्यवस्था लॉन्ग टर्म में, इस प्रकार का कोई भी पैथोजन अगर आता है, कोई भी अगर वायरस आगे भविष्य में भी आता है, उसकी तैयारी की जा रही है और उसके लिए निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल दिया था। आज भी उस संदर्भ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन ने डिटेल रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी के समक्ष दी है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। मैं चाहूंगा कि तबलीगी जमात और उससे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं और उनके जो पूरा क्वारंटाइन है उसके बारे में DGP साहब और अब तक जो पुलिस की कार्रवाई हुई है वो बारे में DGP साहब बताएं। उनमें जहां हॉटस्पॉट होंगे वहां मैकेनिज्म ये होगा कि डोर टू डोर खाने की व्यवस्था, डोर टू डोर अगर कुक्ड फूड भी पहुंचाने की जरूरत है वो भी पहुंचाया जाएगा, दूध पहुंचाया जाएगा, सब्जी और फल पहुंचाया जाएगा और डोर टू डोर वहां पर जो है किराना का दुकान और मेडिसिन भी पहुंचाया जाएगा। वो अलग अलग जगह पर मैंने आपको बताया, डिपेंड करता है एरिया कितना है। उसमें मैंने आपको थानों की संख्या भी बता दी कि एक जिले के हॉटस्पॉट्स कितने और थाने कितने, केवल उन एरियाज में लिमिटेड एरियाज में रहे। देखिए, अगर वहाँ एसेंशियल सर्विस में जुड़े हुए लोग होंगे, डॉक्टर्स होंगे, तो उनके लिए विशेष व्यवस्था करी जाएगी। अगर वहाँ अंदर ही जर्नलिस्ट रह रहे होंगे तो उनके लिए विशेष रूप से देख लिया जाएगा, लेकिन सामान्यतः किसी और को जाने नहीं दिया जाएगा, केवल अंदर के लोगों की व्यवस्था की जाएगी। हाँ जी, हॉटस्पॉट को सैनिटाइज करने के लिए डिटेल सैनिटाइजेशन होगा। आज ही आपने देखा है कैसे जो है फायर ब्रिगेड्स के माध्यम से हाइपोक्लोराइड डालकर जो है सैनिटाइज किया जाता है, बहुत डिटेलिंग और सैनिटाइजिंग किया जाए। लोगों के हित की बात है, वहाँ पब्लिक के सपोर्ट की जरूरत है, वहाँ लोगों के सहयोग की जरूरत है। वो देख लेंगे, अगर कोई शिकायत होगी उसको दूर कर देंगे। हम ये बता दें आपको, एक चीज जरूर बता दें, मास्क पहना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप में से कुछ लोग मास्क नहीं पहने तो मास्क जरूर पहन लीजिए, और मास्क न पहनने पर कार्रवाई भी हो सकती है, ये भी ध्यान रखिए। देखिए, जहां तक 15 तारीख तक की बात है, कार्रवाई आपको बता दी गई है। लॉकडाउन आगे कैसे खुलेगा, क्या उसकी चरणबद्ध प्रक्रिया होगी, वो आगे जब समय रहेगा तो आपको बता दिया। हाँ जी बिल्कुल, सैनिटाइजेशन के लिए बहुत भारी मात्रा में बजट हर जिले को विद इन दी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान दे दिया गया है। चिकित्सा विभाग को अलग से दिया गया है, नगर निगमों को अलग से दिया गया, तो जो भी एजेंसीज काम कर रही है उनको दिया जा रहा है। पुलिस ने भी मांग की है सैनिटाइजेशन और प्रोटेक्टिव गियर की, उनको भी बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर बजट दे दिया जाए। हाँ, अब आपसे स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन्फोर्समेंट की हम शेयर कर लेते हैं, जो रोज की जाती है। देखिए, इसमें जो अभियोग पंजीकृत हुए हैं
वायोलेशन में लॉकडाउन के, उनकी संख्या रही है अब तक 11,461। इसमें जो अभियुक्तों की संख्या है वो 37,082 और जो एसेंशियल कमोडिटीज के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनकी संख्या है 269 और जिन लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं उनकी संख्या है 349। तमाम सारी गाड़ियां निकल रही हैं जिनको लॉकडाउन के दौरान नहीं निकलना चाहिए था, उनके विरुद्ध जो प्रवर्तन की कार्रवाई की गई है वो इस प्रकार है। कुल वाहन जो चेक किए गए हैं वो हैं 12,45,793 और इसमें जो चालान किए गए हैं 2,75,438 गाड़ियों के चालान किए गए हैं। शमन शुल्क करीब 5.25 करोड़ अब तक वसूलने की कार्रवाई की गई है। जहां तक तबलीग जमात में शामिल लोगों के प्रदेश में आने और उनकी कार्रवाई, उनके मेडिकल चेकअप इत्यादि की क्वारंटाइन की कार्रवाई का प्रश्न है, तो इसमें आपको सूचित करूँगा कि अभी तक 1,268 व्यक्ति जो तबलीग जमात से रिलेटेड हैं, 1,268 उनको क्वारंटाइन करने की कार्रवाई की जा चुकी है। कुल व्यक्ति जो अब तक आइडेंटिफाई हुए थे वो 1,573 थे, 1,573 इनमें से जब वेरिफिकेशंस किए गए तो 265 व्यक्ति ऐसे पाए गए जो उत्तर प्रदेश से बाहर थे, तो उनकी सूचना जैसा प्रोटोकॉल है यहाँ से उन प्रदेशों में जहाँ उनका हमको लोकेशन महसूस हुआ, पता लगा, वो उनको सूचित कर दिया गया है। अब प्रोटोकॉल के हिसाब से जहाँ सूचना दी गई है अगर वो वहाँ से भी मूव कर गए हैं तो जहाँ वो मूव किए हैं वहाँ वो सूचना राज्य उनको देगा, और इसी प्रकार सूचनाएं अन्य राज्यों से हमारे पास भी सतत आ रही हैं जो लोग उन राज्यों के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में आए हैं जिनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तबलीग की जो बाहर के, भारत से बाहर के हैं उनकी संख्या 323 है, ये सारे के सारे क्वारंटाइन में हैं। तो ये तबलीग से जुड़े हुए लोग जिनमें जिनका मेडिकल टेस्ट कराया गया उनकी सूचना है। ये मैं तीन चार चीजें और बता दूं। कुल मिला के प्रदेश में फल सब्जी की जो डिलीवरी की व्यवस्था है 41,617 वाहनों में डिलीवरी की जा रही है, जिसमें से 13,857 वाहन जो है मोबाइल वैन्स है यानी मोटराइज है। अब दूध की सप्लाई जो है 46,75,000 लीटर हो गई है। आपको ये भी हम बता दें कि दूध की सप्लाई के साथ साथ जो है वितरण की व्यवस्था भी जो है 32,16,000 हो गई है। 21,141 किराना स्टोर्स के माध्यम से 48,589 जो है घरों पर होम डिलीवरी के लोग सहायता दे रहे हैं। अब जो है लगभग जो फूड पैकेट्स की संख्या है वो 1989 धार्मिक और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से 6,31,000 फूड पैकेट जो है बांटे जा रहे हैं, और जिला प्रशासन के 727 जो सेंटर्स हैं फूड वितरण के उनसे 5,18,000 फूड पैकेट बांटे गए हैं। सभी शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। आश्रय स्थल पर जो वहां पर क्वारंटाइन कैंप्स हैं वो लगभग अब जो है संख्या 4,250 हो गई है, जिसमें 1,25,800 लोग हैं। जो मेडिकल क्वारंटाइन है उसमें संख्या जो है अब अंततोगत्वा जो है डिस्चार्ज हो जाने के बाद मेडिकल क्वारंटाइन में जो रखे गए हैं वो लगभग 6,504 लोग जो है मेडिकल क्वारंटाइन में रखे गए हैं। होम क्वारंटाइन में अब जो संख्या है वो कुल मिला के अब होम क्वारंटाइन में 4,73,000 लोग होम क्वारंटाइन में रखे गए हैं, और जो टोल फ्री नंबर है डिसेबिलिटी का, ये जो आपदा नियंत्रण का जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टोल फ्री नंबर है 1070 उस पर जो है कोई भी व्यक्ति आपदा नियंत्रण के बारे में अपनी बात कह सकता। एक जो बहुत बड़ी चीज जो मैं बार बार रोज आपको बता रहा हूँ
वो पूरे प्रदेश में इम्प्लीमेंट की गई और अब पूरे देश में इसके लिए आदेश दिया गया है। 24,024 ऐसी औद्योगिक इकाइयां हैं जिनमें वेतन का वितरण किया जा चुका है और 3,024 इकाइयां ऐसे हैं जिनमें भुगतान की कार्रवाई अभी रह गई है। इकाइयां जिनको चालू होना था उनमें से 4,242 इकाइयां इनको चालू कर दिया गया है और शेष इकाई जहां पास की जरूरत है वो भी अब जल्दी कर दिया जाएगा। बहुत अधिक मात्रा में श्रमिकों को भुगतान अब कर दिया गया, कुल 11,54,000 श्रमिकों को 115.36 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है और नगरीय क्षेत्रों में 2.58 लाख श्रमिकों को 25,81,00,000 रुपए का भुगतान कर दिया गया है। जो राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम है उनमें सभी शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। जो अब तक स्थिति है उसके हिसाब से हम लोग ये कह जरूर सकते हैं कि जो सप्लाई की व्यवस्था है वो काफी हद तक अब स्ट्रीमलाइन कर दी गई है और आगे आने वाले समय में और भी उसको बेहतर कर दिया जाएगा। हम एक सूचना जरूर आपको देना चाहेंगे कि फेक न्यूज के अंतर्गत अब तक जो कार्रवाई की गई है कुल मिलाकर फेसबुक के अंतर्गत 21 मामले हम लोगों ने इंगित किए हैं, ट्विटर के अंतर्गत 18 मामले इंगित किए हैं, टिकटॉक में 16 मामले इंगित किए हैं और व्हाट्सएप में 11 मामले, कुल मिला के 66 मामले इंगित किए हैं और 11 मामले कल यानी कल से आज तक 24 घंटे में 11 मामले हमारे सामने फेक न्यूज के आए हैं जिन पर हम कार्रवाई अपने स्तर से कर रहे हैं और कुछ में FIR भी दर्ज कर रहे हैं। तो ऐसे में फेक न्यूज पर भी कार्रवाई बहुत जोर शोर से की जा रही है। मैं पुनः ये जरूर अनुरोध करना चाहूँगा कि जहाँ भी जिस भी एरियाज में जहाँ पर भी लॉकडाउन की व्यवस्था की जा रही है वो केवल उसको और सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो व्यवस्था पहले है उसी को और इम्प्लीमेंट प्रॉपरली किया जा रहा है, कहीं भी छूट नहीं दी जाएगी। किसी को भी इसमें जो है पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी को भी इधर से उधर जो है अनावश्यक खरीद करने की जरूरत नहीं है। कुछ ही एरियाज में, बहुत छोटे एरियाज में जहां केसेस पाए गए हैं उन्हीं एरियाज में लोग पहले से जानते हैं, उन्हीं एरियाज में जो है ये व्यवस्था लागू की गई है। जनपद स्तर में और बाकी एरियाज में कहीं ऐसी बात नहीं है। जहां भी दुकानें जैसी खुल रही हैं, जहां दुकानों से किराना स्टोर से बाकी सप्लाई से माध्यम से व्यवस्था है वो यथावत चालू रहेगी और हम जन सहयोग से सभी कार्य को बहुत सुचारू रूप से चला सकेंगे। देखिए जो अभी तक देखा गया है जो बहुत ही लिमिटेड एरियाज में अगर वहां पर कोई बैंक वगैरह होगा तो फिलहाल वो बंद रहेगा, वो सील्ड एरियाज में, लेकिन सील्ड एरिया के बाहर जो है बैंक खुले हैं। लेकिन सील्ड एरियाज के अंदर आपको आने जाने की छूट नहीं रहेगी। आज तो आपके मैं फिर आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप लोगों के माध्यम से ही जो सूचना जाती है आप सही सूचना सब तक पहुंचाएं और हमारा सहयोग भी प्रदान करें।